बेटी मरने वालों में से तीन ही कपड़े फाड़ लिए, मेरे को कह रहे कि तेरे पे आरोप लगाऊंगी इज्जत लूटने का। क्या रो बच्चे उसके, इतने बड़े बड़े बर्तन में खाना भेजती थी मैं, मेरी बच्ची कहती अम्मी मत भेजा करो, मुझे तो इतना सा भी नहीं देते। क्या बदतमीज करवाई है? क्या क्या बदतमीज? वो नहीं जाना चाह रही तो तुम भगा रहे हो ना उसे? ये जाना चाह रही है, ये जाना चाह रही है, ये जाना चाह रही है, है ना? इसीलिए तुमने ये हालत कर दी। ये सब नहीं है, टॉर्चर कर करके तुमने ये हालत कर दी इसको, ऐसे टॉर्चर कर करके ये हालत करा आपने, यानी कि इसको मार के मानोगे, मार के मानोगे, मान के मार के मानोगे, मार के मानोगे, रिकॉर्डिंग करके क्या सब? कि अपने अपने माँ बाप के पास जा और मेरे को गाड़ी दिला और क्या कहते हैं मेरे को बाइक दिला, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। वो जाते जाते बोल रही थी मैं इसको फेंक दूंगी नीचे। इलाज करा, फेंक देता, मेरी लाडो की जान ले ली, थर्ड फ्लोर की बालकोनी से उसको मार के गिराया नीचे, उसको इसने मारा है सबने मिलके। महज एक 19 साल की लड़की को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया। दहेज के लिए उसे इस तरह प्रताड़ित किया गया कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के शकूरपुर इलाके में। यहाँ से एक 19 साल की लड़की की मौत की जो रहस्यमय गुत्थी है वो सामने आई है। परिवार से जुड़ेंगे, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ किया था ससुराल वालों ने और पति ने, पूरा मामला आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना। आपकी बेटी का नाम? कायनात परवीन, प्यार से नगमा बोलते थे। क्या हुआ उनके साथ? उसने कल मुझे फ़ोन किया 2 बार, अम्मी मेरी तबीयत ख़राब है मुझे ले देखने आओ। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो बोले कि अकेले मत जाना, किसी को लेकर जाओ। तो मेरे भाई को आने में टाइम लगा, फिर उसने 7:15 बजे मुझे कॉल की, अम्मी आ जाओ मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मेरे को रात से बोल रखा है पानी चढ़ाने के लिए, मेरे को पानी नहीं चढ़वा रही, बोल रही है मेरे पास पैसे नहीं है, अपनी अम्मी से बुला ले बोल दे। बोले आप आओगी नहीं? मैं बोली आऊँगी। मैं गई, मेरा भाई गया, मेरी एक पड़ोसन, मेरा बेटा, हम सब गए वहाँ पे। उसकी तीनों बेटी थी वहाँ पे और उनकी माँ और वो लड़का यहाँ बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तेरी इतनी बुरी हालत क्यों हो गई बेटा, खाती नहीं है क्या? बोली अम्मी खाती हूँ पर लगता ही नहीं है बदन में। मैंने बोला कितना खाती है जो ऐसी हो गई? अम्मी मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे चक्कर आते, मैं उठ भी नहीं पाती। बोला था पानी चढ़ाने के लिए, बोली महावीर ले जाऊंगी। मैं बोली कहीं ले जा इलाज करा। मेरे भाई ने पूछा दिक्कत क्या है जो ऐसी हो गई? उसकी बेटी बोलती है तुम दोनों भाई बहन मिलके एक ही बात पूछ रहे हो, लेके जा इसको उठा के यहाँ से। कितने समय पहले शादी करी थी अपने बेटी की? 1.5 साल हो गया उसकी शादी को। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव मैरिज थी उसकी, कोर्ट मैरिज और निकाह दोनों कोर्ट में हुआ था उसका। उसके बाद वो बोली कि हम 1 साल के बाद ले जाएंगे उसको, मेरी लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी, नहीं तो हमने उसे रख लिया। मेरी नंद ने बोला नगमा कितने अच्छे घर से हम है और वो कैसा है, छोड़ दे उसको, बहुत मिलेंगे तुझे। उसने ये बात सुन के मेरे भाई को फ़ोन किया, बड़े वाले को, बोले हम इसकी विदाई करके ले जाएंगे। हमने सारा दहेज इकट्ठा कर लिया उसको देने के लिए। बोली डेट डाल देना 1 से 10 के बीच में, हमें बता देना, हम उस डेट में आ जाएंगे।
कार्ड छपने के लिए जब हम डेट पूछने के लिए उसको यहाँ बुलाया तो बोली मेरी बेटी बोल रही है 6 महीने के बाद उसकी विदाई कराएंगे। मेरा भाई बोला हमने इतने इंतजाम कर दिए तो पहले उन्होंने क्यों नहीं बोला, अब उनको बोलो लेके जाएं। तो वो उसका पति सब लेके चले गए उसको, बोली हम दहेज नहीं लेंगे, मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए, एक कमरा लूँगी तो 5,000 रुपये लगेंगे। तो मेरे भाई ने बोला कि वो कमरे का किराया भी हम भरेंगे क्या, केरी रख लो अपना दहेज, मुझे नहीं चाहिए। वो सारा सामान अभी मेरे भाई के घर में है और मेरे घर में, बच्ची ले गई मेरी। 2-3 महीने के बाद उसको बोल रहे तेरी मम्मी से गाड़ी मांग, तेरी मम्मी से जेवर मांग, कपड़े मैंने सारे पूरी गली ने देखा है, जितने मेरी बच्ची के कपड़े वो यहीं के पहनती थी, चाहे वो ठंड के हो, गर्मी के हो, सर्दी के हो, नए हो। ईद पे मैंने इतना सारा सामान भेजा, उसकी बड़ी वाली जिठानी कहती है तेरी मम्मी ने घी नहीं भेजा, दूध के पैसे नहीं भेजे, सारे बोलने लगे उसको, इसकी माँ को शादी हो गई, इसकी माँ को मांगो दहेज मांगो। अभी परसों मेरी बच्ची फोन छीन लिया, उससे आने नहीं देता था, ये बड़ी वाली भाभी खड़ी थी उनके सामने बोली अम्मी मुझे बहुत तंग कर रखा है, मुझे बोलता है तेरे पापा के मकान में से ना अपना हिस्सा मांग ले और मुझे बाइक दिला दे। क्या नाम है लड़के का? मोहम्मद शकील। और खेरी मेरी सास, मेरी जिठानी शबाना, उसकी ननद नसरीन, रजिया, हीना, हीना ने तो सबसे ज्यादा मेरी बच्ची को उसने उठा के फेंका है वहां से, वो जाते जाते बोल रही थी मैं इसको फेंक दूंगी नीचे। उसने मेरे भाई से जब उल्टा बोला तो मेरा बेटा बोला कि जब दोनों बड़े बात कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रही हो, वो बोली मैं तुझे नीचे फेंक दूंगी जीने से। मैं उठ के खड़ी हुई कि इसको जीने पे से फेंकोगी, उसने मेरे मुंह पे मारा और कपड़े फाड़ने लग गई। आपको भी मारा? उसने मुझे मारा और कपड़े फाड़ने लग गई कि मैं ना बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी तेरे ऊपर। तो भाई मेरा बोला चल थाने, मेरी इतनी गलती हो गई, मेरी 100 नंबर कॉल नहीं लगी, इमरजेंसी कॉल नहीं लगी, हम थाने गए, इतने में तो उस लड़के ने यहाँ से जाके और उसकी बहन ने उसे घर में ही पहले मारा, उसका गला दबाया और ऊपर से फेंक दिया नीचे, फिर ये सब एक डॉक्टर के पास ले गए, उसने उसको बोल दिया ये मर गई, सबको दिखाने के लिए महावीर ले गए, वहां पे उसको डेड बता दिया। अब सारे बोल रहे कि हमने उसे नहीं मारा, मेरी बेटी मरने वालों में से थी नहीं, वो बहुत डरपोक थी, वो जवाब भी नहीं देती थी जल्दी किसी को, उसको इसने मारा है सबने मिलके, उसकी माँ ने, बहन ने, भाभी ने, नाजनी ने, जो यहाँ उसकी जिठानी रहती है और बहन रहती है उसकी, पति का भी हाथ है इसमें, पति ने मारा है सबसे ज्यादा उसको, सबसे ज्यादा शकील ने और हीना ने मारा है, हीना ने मारा है, शकील को बुलाया फोन करके मेरे सामने, उसने कौन सी मंजिल से धक्का दिया, 3rd फ्लोर की बालकनी से उसको मार के गिराया नीचे, बहुत से लोगों ने देखा है वहाँ पे। और अभी वो थाने में बैठ के वो गेम खेलती है, कहती है लगा ले कितना जोर, मैं सारी चीजों में उसको, उसको लड़के को कहती है कि तुम मार दे किसी को, कुछ भी कर दे, खून नहीं निकलना चाहिए, आगे मैं सिलेक्ट लूंगी, मैं इनकम टैक्स की ऑफिसर हूँ। संभालिए संभालिए भैया, दुनिया भी नहीं देखनी थी, दुनिया भी नहीं देखना, दुनिया भी नहीं देखनी थी भैया, जीने देता फेंक देता मेरे पास लाके, पहले फेंक देता, मार खाई को दिया फेंक देता, फेंक देता मेरे आगे लाके, संभाल इलाज करा फेंक देता, मेरी लाटों की जान ले ली, जान ले ली। अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मेरी लाडो ने, कुछ नहीं देखा। अल्लाह मेरी बच्ची 19 साल की, मेरी बच्ची को जीने नहीं दिया, मेरे पास फेंक देती, ले रख ले मुझसे पार नहीं लग रही, खाना नहीं देती थी उसको, फोन करके अपनी नंद की बेटी को भेजती थी अम्मी पैसे भेज दो, अम्मी खाना भेज दो, 11 बच्चे उसके, इतने बड़े बड़े बर्तन में खाना भेजती थी मैं,
मेरी बच्ची कहती है अम्मी मत भेजा करो, मुझे तो इतना सा भी नहीं देते। अम्मी अम्मी मुझे इतना भी नहीं मिलता, मत भेजा करो, सब खा लेते ये भूखे, इनका खाना नहीं मिलता मुझे। कितने लोग रहते थे उनके ससुराल में? 11 जने, उसकी बहू, उसके यहाँ पे अभी सब मिलकर टॉर्चर करते थे। सब, उसकी जिठानी, उसकी सास, उसकी देहरादून वाली ननदियाँ यहाँ आई हुई है, वो नासरीन खाने में हंस रही है, हम लोग देख कौन, उसकी सास ननद आप फोन पर बातें कर रही है। आपने कोई कंप्लेंट की उनके खिलाफ? बाप रे, कंप्लेंट की? फोन भी दे रखा, कंप्लेंट की, सारे हैं थाने में, थाने में गिरफ्तारी हुई किसी की? अभी स्माइप है, शकील है थाने में, नसरीन है, उसकी हीना है, रजिया की नहीं पकड़ा भी, नाजनी को नहीं पकड़ा भी, सबाना को नहीं पकड़ा भी, उसके बड़े भाई को नहीं पकड़ा, वकील को भी, समीर को नहीं पकड़ा, चांद को नहीं पकड़ा, इन सब ने मिलके मेरी बेटी को मारा। से पुलिस स्टेशन में केस गया? ये ना सरस्वती सुभाष पैलेस। आपका केस कौन हैंडल कर रहा है पता? कौन है? एसआई का नाम है प्रदीप कुमार। क्या कहा है उन्होंने, बाकियों की कब तक गिरफ्तारी होगी? उन्होंने कहा कि अभी जो है, उन्होंने कहा कि अब हमें फायदा दर्ज, अभी आया था असिस्टेंट जो है क्या नाम है एसडीएम, उस बच्चे का क्या करा उन्होंने? आप कौन लगते हैं मृतिका? मैं उनका ले लेके ले गया था कल, उन्होंने आने नहीं दिया, कपड़े फाड़ लिए मेरे को, कह रहे कि तेरे पे आरोप लगाऊंगी इज्जत लूटने का। मैं छोड़ के नीचे उतर गया, बहन को लेकर सीधा थाने गया, जब तक पता चला कि उसे छत से फेंक दिया। वो क्या इन्होंने पहले कभी बताया था कि इनके ससुराल में इनके साथ इस तरीके का बर्ताव होता है? वो 4-5 दिन पहले आई थी छुप छुपा के, इसको सब कुछ बता के गई थी, इनकी पड़ोस की कोई भाभी थी उनके सामने बोल के गई सब कुछ, के वे पैसे के लिए बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मकान बिकने वाला है, अपनी माँ से बोलो हिस्सा दें, अगर हिस्सा नहीं देते तो थाने में चल के कंप्लेंट करो इनके खिलाफ। उसने साफ मना कर दिया कि मेरे माँ बाप जब सब कुछ देने के लिए तैयार थे तुमने नहीं लिया, मैं किस मुँह से जाऊँ और क्यों बोलूँ, तुमने अगर मेरे साथ कोर्ट मैरिज करी तो तुम झेलो, तुम मेरा सब कुछ करो, मैंने अगर शादी अपने माँ बाप के खिलाफ करी है तो मैं आपके दम पे रहूँगी ना कि अपने माँ बाप के दम पे। उसको इसी कारण टॉर्चर करते थे वो। मैंने इतना बोला कि बेटा तेरी ये हालत कैसे हो गई, सेहत खराब कर दी, मैं बच्ची की अपनी फोटो दिखाऊंगी, 50,000 उसकी बहन नसरीन ने मुझसे मांगे फोन पे कि मेरी बहन की शादी होने वाली है, मेरी बहन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो लड़का मुझे गाली बकता था, उसकी दमाद, हाँ शकील कहता था, मैंने बोला नगमा ये काम सीख जाएगा ना तो मैं इसे घर भी दूंगी, इसका काम भी खुलवा, काम भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, यहाँ सारी गली से पूछ लो, कुछ नहीं करता था वो, खाली वो अपनी बहन नसरीन के, नसरीन ने उनको कितना बर्बाद किया ना अपने उसके ओलंपिक के खेल के बलबूते पे, वो कहती है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं कुछ भी कर ले, उसकी माँ कहती है हम पहले डरते थे पुलिस वाले से, अब नहीं डरते, कह रही कुछ भी करके आ जा, मैं बैठी हूँ पीछे। वो चांद को भी यही कहती है, नसरीन शकील को भी यही कहती है और समीर को भी यही कहती है। हीना ने सबसे ज्यादा दुखी करा मेरी बेटी को, सबसे ज्यादा नसरीन ने, रजिया ने, ये नाजनी, नाजनी मेरी बेटी को कहती थी तेरी माँ का अपना मकान है, उससे सहकील के लिए पैसे मांग के ला कारोबार खुलवा। ससुराल कहाँ आपकी बेटी का? जी 12-13 जी ब्लॉक, पूनम गैस एजेंसी के पास, वहाँ के 3rd फ्लोर के से गिरा है मेरी बच्ची, गिरा मेरी बहन के साथ। ये देखिए मेरे हाथ से फ़ोन छीना, फिर उसने कपड़े फाड़ लिए, लड़की को ला रहा था लाने नहीं दिया, मैंने कहा तुमने टॉर्चर कर रखा क्या उसे मार डालोगी, उसमें क्लियर लफ्जों में इस वीडियो में कह रही है कि हाँ मार डालूंगी, और उसके बाद ही लड़की हमारी ख़त्म, इसको क्या कहेंगे? अरे ऐसे ही तस्वीर पढ़ो, ये
आटा छोड़ने का क्या मतलब है? चल, चल। नहीं, तुम्हारा हाथ छोड़ने का क्या मतलब है? तुम्हारा गाली तो तुमने शुरू करी है, गाली तो तुमने शुरू करी, तुमने शुरू करी गाली। मैं अम्मी से आपसे बात कर रहा था, आपका क्या मतलब बात करने का? नहीं, आपने शुरू करा, आपने शुरू करा गाली, गाली आपने शुरू करी है, आपने शुरू करी है, आपने शुरू करा। तुम इतनी बड़ी हो गई, चाटा मारे हुई किसी को? क्या बदतमीज से करवाई है? क्या क्या बदतमीज? वो नहीं जाना चाह रही तो तुम भगा रहे हो ना उसे? ये जाना चाह रही है, ये जाना चाह रही है, ये जाना चाह रही है, है ना? इसीलिए तुमने ये हालत कर दी। ये सब नहीं है, टॉर्चर कर करके तुमने ये हालत कर दी इसको, ऐसे टॉर्चर कर करके ये हालत करा आपने, यानी कि इसको मार के मानोगे, मार के मानोगे, मान के मार के मानोगे, मार के मानोगे। रिकॉर्डिंग करके क्या साबित करना चाहते हैं? पुलिस वाले बोल रहे किसी पर शक है तो बताओ, तुमने देखा नहीं? जब वो खुले लफ्ज में बोल दी पहले उसने मारा है। मैं जब गई थी ना, मेरी बच्ची के ऊपर कोई निशान नहीं था, जब मेरी बच्ची को मारा है, गले में निशान है, पैर में खून है, नाक में खून है, उसको मार के ऊपर से गिराया है। पहले इसने मारा है घर में सबने मिल के, फिर उसको गिराया मेरी बच्ची को। जिंदा बच्चा गिरता है तो आवाज करता है, मेरी बच्ची ने आवाज नहीं करी, धप से गिरी है वो नीचे, उसको मार के गिराया है। पहले उसे मार डाला, उसके बाद उसे फेंक दिया, मारा है उसे घर में मारा है। बाद में उसको ना यहाँ निशान था, ना यहाँ निशान था, इसको कोई निशान, चेहरे पे, गले पे काला निशान, जैसे उसको गला घोट के मारा हो, चेहरे पे पूरा निशान है उसके, कि जैसे उसे नाखून करोच रखा हो। वो एसडीएम साहब के सामने बयान हुए हैं, तो अब उसको वो मेल करेंगे। और उसके क्या लग रहा है आपको, कब तक गिरफ्तारी होगी सभी की? कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। ये FIR होगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो वो भागा हुआ है, जो वकील है ना, पूरे उसके भाग गया, उसकी बीवी शबाना और वो अपने दो बच्चों को लेके भाग गया। यहाँ पर जो रहती थी नाजनी और इरफान, वो अपने बच्चों को लेके भाग गया। रजिया अपने बेटे बेटी को लेके और आदमी को लेके भाग गई, वो सब यहीं थे कल तक। जैसे मेरी बच्ची को मार दिया, सब भाग गए। कितने बजे हुआ ये सब कुछ? सवा पहले 4:45 पे फ़ोन किया दो बार उसने, फिर मैं इसको 7:15 फ़ोन किया, 7:30 मैं पहुँची हूँ, उसने 5 मिनट में ही मार पीटी चालू कर दी। मैं नीचे उतर के थाने गई हूँ, 15 मिनट के अंदर तो मेरी बच्ची मार दी, 15 मिनट के अंदर इनको उलझाया, मेरी जिंदा बच्ची को मुर्दा कर दिया। 7 जने इनको उलझाया यहाँ आके, कि ताकि हम पर ना आए कि लड़की को हमने मार दिया है, वहाँ पे मार के और यहाँ चिल्ला रहे, यहाँ चिल्ला रहे कि उनको लगे कि वो खुद ही मरी है, उसको मारा है। एक लड़की को क्या शादी करने की ये सजा मिलती है कि उसके ससुराल वाले और उसका पति, जिस पर भरोसा करके वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारने की कस्में खाती है, वादे करती है, वो पति और वो ससुराल वाले उसकी मौत की वजह बन जाए? क्या इस ज़माने में कोई इतना क्रूर हो सकता है कि दहेज के लिए एक लड़की को मारे, पीटे, उसे भूखा रखे, उसे खाना तक ना दें? क्या 21वीं सदी में आने के बाद ये तस्वीरें हमें राजधानी दिल्ली से देखने को मिल रही हैं कि महज एक 19 साल की लड़की, जिसका नाम कायनात परवीन बताया जा रहा है, लोग उसे प्यार से नगमा बुलाते थे, उसके ससुराल वालों ने और पति ने मिलकर उसको इतनी ज़्यादा प्रताड़ना दी कि उसकी जीवन लीला तक समाप्त हो गई। उसकी माता से हमने बात की, आपने देखा कि जो उसकी माँ है, यानी कि जो मृतिका की माँ है, वो बोलने की हालत तक में नहीं है, फिर भी इस आस में कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। इनकी बेटी ने इन्हें कॉल करके कहा कि मुझे यहाँ से ले जाइए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मृतिका की माँ और उनके मामा उन्हें लेने के लिए उनके ससुराल पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर तस्वीरें कुछ उलट नज़र आती हैं। ससुराल वाले साफ तौर पर एक माँ के सामने धमकी देते हैं कि हम आपकी बेटी को मार डालेंगे, और जब ये लोग पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं, महज 15 मिनट के भीतर इन्हें खबर मिलती है कि इनकी बेटी वाकई में मर चुकी है। देखिए, परिवार का आरोप है कि पहले इनकी बेटी को घर में ही मारा गया ससुराल वालों और पति के द्वारा, उसका गला घोटा गया, उसे बेरहमी से मारा गया और उसके बाद उसे मारकर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया।
ये पूरा हादसा बीती रात का बताया जा रहा है। बहरहाल इस मामले को लेकर ये लोग पुलिस स्टेशन गए, FIR दर्ज करवाई जा रही है। अभी तक गिरफ्तारी सिर्फ 2 से 3 लोगों की हुई है और बाकी सब फरार बताए जा रहे हैं। जैसा आपने सुना मृतिका की मां के मुंह से कि सारे आरोपी जो हैं फरार हैं। अब खुद सोचिए, ये हादसा बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है कि एक लड़की को इस तरह आखिर कोई कैसे प्रताड़ित कर सकता है। आपके खुद के घर में भी बहन बेटियां होंगी तो क्या किसी और की बेटी के साथ इस तरीके की हैवानियत को अंजाम देना ये सही है? क्या महज कुछ पैसों के लालच में किसी भी व्यक्ति की जान लेना, फिर चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो या फिर किसी और की, ये कहां तक सही है? ये कहां का इंसाफ है? अब आखिर सवाल ये उठता है कि उस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? उसके जितने भी हत्यारे हैं उन्हें ऐसी कौन सी सजा दी जाए जिसके बाद उनकी रूह तक कांप उठे? इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।